गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था, मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी, शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई, गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा।